वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं सी। तो आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। बोल, ये है पपैया पिसा हुआ, यह हरी मिर्ची का पेस्ट है, अदरक लहसुन है और कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, दही है, कांदा, ये प्याज का ब्रिस्ता है और ये सूखे मसाले में है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। बस इतने ही मसाले, बेसन और बाइंडिंग के लिए ये कुछ भुना हुआ बेसन है। अभी आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ, अब देखते रहिए। का पेस्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं, अदरक लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, इसको मिलाते रहेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये सारे सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर जो मैंने अभी आपको बताई, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, जितना आपको लगता है उतना आप डाल सकते हैं। बाकी मैंने 1 से 2 चम्मच लिए थे और बच गया है तो रख दी हूँ। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा दही डालेंगे, ये एक डब्बा है अमूल दही का 100 ग्राम का, ये मैंने पूरा ही डाल दी हूँ। थोड़ा सी स्पाइसी रहती है सीख जो है, और हम इसमें डालेंगे ये बिरिस्ता। हाथ से ही मिलाना पड़ता है, ये चम्मच से इतनी अच्छी तरह नहीं मिलता, इसके लिए इसको थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि मैंने हाथ अभी अच्छे से साफ करके बैठी थी बनाना है बोल के। और ये नींबू का आधा नींबू डाल रही हूँ मैं, ये हाथों की मदद से निकाल रही हूँ बीज। अब भुना हुआ, अब आ गई बारी है भुने हुए बेसन की, इसके बाइंडिंग के लिए डाल 2 स्पून तवा, 1 किलो में 1 स्पून है ना, ये सब भी तुमने पूरा क्यों नहीं डालो, चालू है तो फिर हाँ तो वो कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अच्छे से बात कर, अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने भाप भर दिए हैं और अब इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, फ्रिज में रख के 2 घंटे बाद इसके सीख बनाएंगे। आप देख रहे हैं 2 घंटे हो चुके हैं ये मैरिनेट को मिलाए हुए, है ना, सही बोल रही ना मैं, हम सीख बना रहे हैं।
इधर थोड़ा पानी देना कहीं। देख रहे हैं मेरे पास कोई सीख बनाने की वो नहीं है, सलाई नहीं है, इसलिए मैं एक कांडी पे कर रही हूँ। देख रहे हैं सीख बन गई है। अभी हम ये कांदा भी काट कर रख चुके हैं जो कि अब सीख के साथ में खाई जाएगी। अब इसके साथ खा कर देखिए इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। इसी तरह हम सारे सीख बना लेंगे और फिर हम इसको डीप फ्राई। मैंने इसके अंदर चीज डाली हूँ, बीच में जो सीख है, सीख के बीच में चीज डाली हूँ और जो आप देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे इसकी चटनी के, इसकी चटनी के लिए ये थोड़ा सा हरा धनिया है और पुदीना है, एक आधा नींबू है और चार हरी मिर्च है, ये पिसा हुआ जीरा और ये नमक। अब इसको हम पीसते हैं और इसकी पराठे बेलने जा रही हूँ। सिंपल आटा है जो नॉर्मल घर में चक्की का अपन गेहूँ पिसाते हैं वही, इसको पराठे बेल के अभी हम इसको डीप फ्राई करेंगे फिर इसको सीख के साथ में खाएंगे। इसको ज़्यादा मोटा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा इसको मोटा ही रखा जाता है। अभी इसको फॉर्क की मदद से ऑयल डाल चुकी हूँ, अब मैं पराठा डालूंगी पराठा फ्राई करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं पराठा फ्राई हो रहा है, इसके बाद हम सीख फ्राई करेंगे। इसको लेके जा जब तक फॉक्स हो ना। ये पराठा हो चुका है, अभी इसको मैं निकाल रही हूँ। अभी मैं ये दूसरा पराठा डाल रही हूँ। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है, इंशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा ही होगा। आप खाइए, खाई पीजिए, आप बनाइए। तो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे। तो बहुत धीरे से हिला लेना है वरना ये टूट भी सकती है। करके फ्राई कर लेंगे, कहीं से भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। मैं
इसमें कुछ पानी नहीं होता आप क्या बंद कर। इसको हर साइड से सेक लेंगे। यहाँ पे सब्जी लग रही है जब धंधा जम जाए फिर रेट बढ़ा के मिलो क्या है भाई।